हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं पोलर फार्मूला बता रहा हूँ। चाप की लंबाई के आउटलेस का पोलर फार्मूला। तो देखिए, ये एक की एक चाप है, इसकी लंबाई एस है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, आर थीटा के रूप में होते हैं। तो ये ओ पी अपना क्या है, आर है, और ये जो ध्रुवंत रेखा है उसके साथ में थीटा कोण बनाती है। अब मैं बहुत ही स्मॉल पी सी क्यू पर लेके जा रहा हूँ, डेल्टा एस लंबाई का एक चाप में। तो इसका थीटा से ये कितना हो जाएगा, ये साई कोण बनाता है स्पर्श रेखा। तो सिंपल सा जाएंगे तो ये थीटा से क्या हो जाएगा, आर से डेल्टा आर हो जाएगा और थीटा से प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये जो वक्र है इसका समीकरण आर एफ थीटा है। इसी प्रकार वक्र का समीकरण थीटा और आर में भी होता है। मैं यहाँ जो वक्र ले रहा हूँ वो आर इज इक्वल टू एफ थीटा ले रहे हैं। माना कि पी आर थीटा तथा क्यू ये इस वक्र पे कोई बिंदु है और ए इसकी बिंदु है। तो जो चाप ए पी है इसकी लंबाई कितनी है, एस है। तो चाप ए क्यू है, ए एस से क्यू, ये पूरी कितनी हो जाएगी, एस प्लस डेल्टा एस हो जाएगी। और जीवा जो पी क्यू है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम हो जाएगी। अब पी से वो क्यू पर एक लंब एम डाल देते हैं, हमें चाहिए डी एस बटे डी थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा टाइप की जीरो डी एस बटे डी थीटा। तो डी एस क्या है, चाप पी क्यू है, डेल्टा एस है। अब मैं क्या करते हैं, चाप पी क्यू और जीवा पी क्यू से अपन डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो जीवा पी क्यू और डेल्टा एस हो जाएगा, क्योंकि हमें जीवा पी क्यू और डेल्टा में रिलेशन मालूम है। आप जानते हैं जब डेल्टा थीटा टेन टू जीरो और क्यू टेन टू पी हो तो चाप की लंबाई और जीवा का अनुपात कितना होता है, वन होता है। तो कुल मिला के फिर ये रह गया। अब अपन क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है पी एम क्यू ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पी क्यू स्क्वायर जीवा है, ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो जीवा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस, और एम क्यू कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। तो आर प्लस आर पूरा है, इसमें से आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा क्या है, देखिए ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, आधार मध्य कर्ण, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एम क्यू चाहिए। तो एम क्यू ये पूरे में से इतना माइनस कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, डेल्टा क्यू टाइम टू जीरो, तो साइन थीटा डेल्टा थीटा के बराबर है, और कॉस थीटा और थीटा टाइम टू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, वन। तो ये जो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा प्लस टू आर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो खाली आर स्क्वायर रहेगा, ये भी वन हो जाएगा, तो टू आर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस टू आर डेल्टा आर। तो देखिए एक आर और एक आर, टू आर स्क्वायर और टू आर स्क्वायर कैंसिल, और टू आर डेल्टा आर और टू आर डेल्टा आर माइनस हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, आर डेल्टा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर। इस प्रकार जो जीवा पी क्यू स्क्वायर इसके बराबर हुआ, तो जीवा पी क्यू क्या हो जाएगा ये। अब अपन डी एस बटे डी थीटा चाहिए, देखिए डी एस बटे डी थीटा चाहिए, वो क्या हो जाएगा आपका जीवा डेल्टा एस, वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर इसका होल स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा टेन टू जीरो, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डी आर बटे डी थीटा हो जाएगी। तो एक फार्मूला है पोलर कोऑर्डिनेट में, जब फंक्शन आर इज एफ थीटा में हो तो डी एस बटे डी थीटा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं फंक्शन थीटा आर हो तब फार्मूला क्या बनता है वो आपको समझाऊंगा। आप इसको पढ़ना, कहीं दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू वेरी मच।